हेलो गाइस, वेलकम टू बीबोर्ड। चालू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। भारतीय एयरटेल एंड द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO लॉन्च अ कैरियर एग्नोस्टिक सेफ्टी ऐप नेम डैश विच हैज़ बीन डिजाइन टू एम्पावर वुमेन इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्ट्रेस और पैनिक सिचुएशन। भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने डैश नाम की एक करियर एग्नोस्टिक सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है, जिसे किसी भी संकट या घबराहट की स्थिति में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माई सर्कल। तो भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के द्वारा एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है माई सर्कल, जो कि वुमेंस को एम्पावर करेगा कोई भी ऐसी पैनिक या फिर डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन में। ये जो है, इसके हेल्प से जो वुमेंस हैं वो SOS अलर्ट भेज सकती हैं कोई भी 5 फैमिली या फिर फ्रेंड मेम्बर्स को इन 13 लैंग्वेज। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO और भारतीय एयरटेल के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई सर्कल, वुमेन को एम्पावर करने के लिए। फिक्की की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और ये हुआ था फाउंड इन 1927। आगे देखते हैं। The World Allergy Organization has organized the World Allergy Week 2019 globally from dash to dash April. विश्व एलर्जी संगठन ने विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 का आयोजन विश्व स्तर पर डैश से डैश अप्रैल तक किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम 7th April to 13th April। तो वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ल्ड एलर्जी वीक ऑर्गेनाइज किया, कब से कब तक, 7 to 13 April, और इस साल की जो थीम थी वो थी द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। तो वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक वीक ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था वर्ल्ड एलर्जी वीक, कब से कब तक, 7 to 13 April, और इसका जो थीम थी वो थी द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। अप्रैल की अगर हम लोग बात करें तो 2 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 12th को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और 7 to 13 ये जो वीक था इसमें हम लोगों ने क्या बनाया, वर्ल्ड एलर्जी वीक बाय वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं। हु वन द 43rd एडिशन ऑफ द पैरिस मैराथन वुमेंस रेस। पैरिस मैराथन महिलाओं की दौड़ का 43rd संस्करण किसने जीता। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलेट बर्का। मेंस रेस और वुमेंस रेस दोनों इथोपियन के एथलीट्स ने जीता। वुमेंस रेस की बात करें तो ये जीता है गैलेट बुर्का ने, और मेंस रेस जीता है अब्रा मिलाओ। कहाँ पे, पैरिस मैराथन थी। इसमें जो मेंस रेस जो जीता है वो जीता है भाई अब्रा मिलाओ, और वुमेंस रेस जीता है गैलेट बुर्का। इथोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है आदिस अबाबा, और करेंसी है यहाँ की बिर। आगे देखते हैं। हु वन द 43rd एडिशन ऑफ द पैरिस मैराथन मेंस रेस। पैरिस मैराथन पुरुषों की दौड़ का 43rd संस्करण किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्रा मिलाओ। तो 43rd एडिशन ऑफ द पैरिस मैराथन ये किसने जीता है, वुमेंस रेस जीता है गैलेट बुर्का ने, और मेंस जीता है अब्रा मिलाओ। आगे देखते हैं। डैश हैज़ बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 ड्यूरिंग द 4th ABG अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। डैश को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में 4th ABG अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए के सिंह, जो कि DRDO में लाइफ साइंस के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर ए के सिंह जो कि डीआरडीओ में लाइफ साइंसेज के डायरेक्टर हैं, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से नवाजा गया। कहाँ पे, 4th APG अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव जो कि हो रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में। डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो जी सतीश रेड्डी क्या है, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और चेयरमैन भी हैं। तो चेयरमैन भी हैं डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी भी हैं। डीआरडीओ जो इस्टेब्लिश हुआ था इन 1958, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, मेकिंग हर
द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द चार्ज. जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिससे वह पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी. तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजमा अख्तर. तो हमें याद क्या रखना है, प्रोफेसर नजमा अख्तर ये क्या बनी है, जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है, पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है. इनका जो अपॉइंटमेंट है वो है फॉर 5 years. Which of the following digital payment security and payment facilitator has acquired Vibmo, a US-based financial technology firm? निम्नलिखित में से किस डिजिटल भुगतान सुरक्षा और भुगतान सुविधाकर्ता ने US आधिकारिक वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म Vibmo का अधिग्रहण किया है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, PayU. तो PayU ने क्या किया है, Vibmo को एक्वायर कर दिया है फॉर $70 million. तो PayU जो कि एक डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी एंड पेमेंट फैसिलिटेटर है, उसने एक्वायर किया है Vibmo को, जो कि एक US बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है, फॉर $70 million. $70 million. आगे देखते हैं. प्रदीप चौबे पास्ड अवे ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट, ही वॉज रीनाउंड डैश. प्रदीप चौबे का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ, वह एक प्रसिद्ध डैश थे. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोएट. प्रख्यात हिंदी कवि प्रदीप चौबे, प्रख्यात हिंदी कवि प्रदीप चौबे का निधन हो गया, वो 70 वर्ष के थे. आगे देखते हैं. विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट टू एम्पावर ग्लोबल डायलॉग्स ऑन फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एंड सोसाइटी. सरकार व्यवसाय और समाज के भविष्य पर वैश्विक बातचीत को सशक्त बनाने के लिए कौन सा देश दुनिया के सबसे अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE. तो UAE क्या होगा, वर्ल्ड फोरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को होस्ट करेगा. कहाँ पे, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. हु हैज कम्प्लीटेड वन ऑफ द स्पोर्ट्स क्रिएट ऑल टाइम कमबैक्स टू एंड एन 11-year मेजर टाइटल ड्रॉट एट द मास्टर्स बाई क्लेमिंग अ 5th ग्रीन जैकेट. पांचवें ग्रीन जैकेट पर दावा करके मास्टर्स में सूखे के 11 साल के प्रमुख शीर्षक को समाप्त करने के लिए खेल के सभी शानदार वापसी में से एक को किसने पूरा किया है. तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइगर वुड्स. तो बहुत ही फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स ने कमाल का कमबैक किया है और उन्होंने क्लेम किया अपनी 5th ग्रीन जैकेट. आगे देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड्स प्रेस फोटो ऑफ द ईयर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मुरे. जॉन मुरे ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है. तो ये जो फोटो आपको दिख रही है जिसमें एक बच्ची रो रही है, तो इन्हें और इनकी मम्मी को जब US बॉर्डर के ऑफिशियल्स कस्टडी में लेके जा रहे थे टेक्सास में, तो ये फोटो ली गई थी बाय जॉन मुरे. तो इस पिक्चर को क्या मिली है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर. ये पिक्चर किसने ली है, जॉन मुरे ने. आगे देखते हैं. इन मोटर रेसिंग हु वन द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर अ रिकॉर्ड 6th टाइम इन फॉर्मूला 1000th वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस. मोटर रेसिंग में फॉर्मूला 1 की 1000वीं विश्व चैंपियनशिप रेस में रिकॉर्ड 6th बार चीनी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, लुइस हैमिल्टन. तो लुइस हैमिल्टन ने क्या किया है, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया. तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स. ये इनका 6th चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स है, 76th इनके करियर की विन है और लगातार ये दूसरी विन है. इससे पहले भी ये बहरान ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं. तो सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स इस साल का, तो ये जीता था वोल्टेरी वोल्टास ने, जो कि फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज टीम से हैं. फिर हुआ बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि जीता लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज टीम के हैं और ब्रिटेन के हैं, यूके. और अभी जो हो रहा है चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, ये भी जीता लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज टीम से हैं और कहाँ के हैं, ब्रिटेन, यूके. आगे देखते हैं. इंडिया बैग्ड गोल्ड एंड 2 silver मेडल्स एट द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप एट कोलोन इन जर्मनी. हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम द गोल्ड मेडल इन 54 kg कैटेगरी. भारत ने जर्मनी के कोलोन में बॉक्सिंग विश्व कप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए. निम्नलिखित में से किसने 54 kg वर्ग में स्वर्ण पदक का दावा किया. तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीना कुमारी मैसनम. मीना कुमारी मैसनम. तो मीना कुमारी मैसनम जो कि मणिपुर की हैं, उन्होंने जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हो रहा था जर्मनी के कोलोन में, इसमें 54 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है. तो किसने जीता है, मणिपुर की मीना कुमारी मैसनम ने 54 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है. कहाँ पे, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हो रहा था, जर्मनी के कोलोन में. इसमें इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं. आगे देखते हैं.
विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 के लिए विषय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अभी वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एलर्जी वीक बनाया 7 to 13 अप्रैल, और इसकी जो थीम थी द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन to be appointed chair of the International Hockey Federation FIH Health and Safety Committee by the World Governing Body। निम्नलिखित में से कौन विश्व का संचालन करने वाली संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त होने वाला पहला भारतीय बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी के नायक। तो बी के नायक पहले इंडियन बने हैं जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH हेल्थ एंड अध्यक्ष बनेंगे, तो वो ऐसे करने वाले पहले इंडियन हैं। इनका नाम क्या है? बी के नायक। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड, और FIH के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नरेंद्र बत्रा। कल का रिविजन करते हैं। हांगकांग के स्टॉक मार्केट ने जापान को ओवरटेक किया, और ऐसा करते ही वो थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है। पहले नंबर पे है US, सेकेंड नंबर पे है चाइना। तो हांगकांग के स्टॉक मार्केट ने किसे ओवरटेक कर लिया? जापान को। जीन मिशेल लेपिन हेती के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वेस्ट बंगाल की दो गवर्नमेंट स्कीम ने UN अवार्ड जीता। दो कौन सी स्कीम्स हैं? तो एक तो है उत्कर्ष बंगला, और दूसरी है सबूज साथी। तेलुगु पोएट के सिवान रेड्डी, इनको मिलेगा सरस्वती सम्मान 2018। उनकी पोएट्री कलेक्शन पक्की की उत्ती गिलिती के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मर्जर अप्रूव किया है टाटा टेली यूनिट और एयरटेल का किसके साथ? राइडर्स के साथ। गार्गी कॉल डिफेंस फाइनेंस की सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट हुई। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना हो, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर।